बुधवार को वनडे और टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने के महेंद्र सिंह धोनी के फैसले पर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ये दिन उनके सफल करियर का जश्न मनाने और फैसले का सम्मान करने का है। देश के सबसे सफल कप्तान धोनी ने भारत के सीमित ओवरों के कप्तान का पद छोड़कर सबको हैरान कर दिया। इस तरह उनका शानदार नेतृत्व का दौर समाप्त हुआ। आपको बता दें कि धोनी की कप्तानी में ही भारत ने 2 विश्व कप और 1 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। सचिन तेंदुलकर ने अपने बधाई संदेश में कहा कि धोनी को टी20 और वनडे विश्व कपों में सफलता हासिल कराने वाले भारत के कप्तान के रूप में शानदार करियर की बधाई। मैंने उन्हें आक्रामक खिलाड़ी से सटीक एवं निर्णायक कप्तान के रूप में उभरते देखा है। ये उनकी सफल कप्तानी का जश्न मनाने और उनके फैसले का सम्मान करने का दिन है। वहीं धोनी के करीबी अरुण पांडे ने कहा कि इस दिग्गज क्रिकेटर ने भारत की सीमित ओवरों की टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला काफी सोच विचार कर लिया है। पांडे ने कहा, आप इस तरह के फैसले रातों रात नहीं लेते, ये काफी सोच विचार कर लिया गया है। धोनी ने सोचा कि ये कप्तानी से हटने और विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में खेल जारी रखने का सही समय है। पांडे धोनी के कमर्शियल हितों को भी देखते हैं। धोनी के कप्तानी छोड़ने के फैसले पर पांडे ने कहा, उसका मानना है कि उसने टीम का मुख्य हिस्सा तैयार कर दिया है और ये कप्तानी छोड़ने का सही समय है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी चीज से चिपका रहे, उसके लिए टीम का हित सबसे पहले है। आपको बता दें कि पहले जहां धोनी ने टेस्ट कप्तानी छोड़कर सबको हैरान कर दिया था, वहीं धोनी ने बाकी फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़कर भी सबको सकते में डाल दिया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।